हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। जी हाँ, मेडिकल स्टूडेंट सुसाइड, ये बहुत बड़ा टॉपिक रहा है हमेशा से, क्योंकि एक डॉक्टर कैसे सुसाइड कर सकता है, एक मेडिकल कॉलेज जाके स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है। तो इसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, इसके पीछे का रीजन क्या है उसको समझाऊंगा विद डाटा। जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है सब कहीं ना कहीं से डाटा लिया गया है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, जो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट सुसाइड, इसका जो रीजन है उस पर हम लोग बात करेंगे। 2023 में बात करें तो 129 जो है मेडिकल स्टूडेंट ने सुसाइड किया, MBBS कॉलेज और PG कॉलेज से रिलेटेड है। नीट के जो कॉलेजेस हैं 27 स्टूडेंट, नीट प्रिपरेटरी स्टूडेंट जो थे, जो नीट की तैयारी कर रहे थे, वो 27 थे। उसके बाद 74 स्टूडेंट BDS के हैं जो सुसाइड किए अलग अलग देश से। आयुष का जो BAMS, BHMS, BUMS का कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, लेकिन मोर और लेस इसका भी 50 तो मान ही लो दोस्तों, ये 50 मान लेते हैं अंदाजन कि इतने लोगों ने सुसाइड किया होगा पूरे भारत में, ठीक है। अब रीजन की बात करते हैं, ठीक है। ये जो बड़ा जो जिस पे बात होना चाहिए उस पे बात करते हैं। सबसे पहला कारण है स्ट्रेस। अब भाई साहब, स्ट्रेस क्यों आता है? नीट प्रिपरेशन के समय स्ट्रेस इसीलिए आता है कि 3 साल 4 साल 5 साल तैयारी करने के बाद, 2 साल 3 साल तैयारी करने के बाद उसको लगता है कि मेरे से अब कुछ नहीं होगा, वो हिम्मत हार जाते हैं, फैमिली सोसाइटी और फ्रेंड्स से सपोर्ट नहीं मिलता है। उसके बाद जब उनके पास सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो वो ये स्टेप उठाते हैं। फैमिली प्रेशर्स, ये भी एक रीजन माना जाता है, ठीक है। दूसरा रीजन है तो फैमिली और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही आपके बच्चे ने नीट का एग्जाम दिया आप उसके साथ फ्रेंडली बन जाइए, क्योंकि वो अब अपनी लाइफ की अच्छी बुरी डिसीजन ले सकता है, लेकिन उसमें आपके सहयोग की जरूरत जरूर पड़ेगी उनको, तो सहयोग कीजिए, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा। तीसरा, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, ये सबसे बड़ा फैक्टर मैं मानता हूँ कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी ये सबसे बड़ा फैक्टर है स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट के सुसाइड करने का। क्योंकि जैसे ही कोई स्टूडेंट नीट की तैयारी करने के लिए बड़े इंस्टीट्यूशन में जाता है तो उसे ये लगता है कि मैं डॉक्टर तो बन ही जाऊंगा, यहाँ गया मतलब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। लेकिन क्या होता है, 2 साल 3 साल तैयारी करने के बाद वो नहीं बन पाते हैं। तो पहला तो एक्सपेक्टेशन वहाँ टूटता है जिसकी वजह से वो सुसाइड करते हैं। दूसरा चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ, मेडिकल कॉलेज में लेते हैं एडमिशंस, मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज में गए, वहाँ पर भी वो जिस तरह की चीज़ों को एक्सपेक्ट करता है उस तरह की नहीं मिलती है तो वो उसको बियर नहीं कर पाता और वो सुसाइड कर लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज की बात कर ले तो प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा हाई फीस लगती है, आपको पता है 1-1 करोड़ जो MBBS कॉलेज में लगती है, 15 से 20 लाख रुपए BAMS कॉलेज में लगती है, 20 लाख रुपए BDS कॉलेज में लगती है। इतने पैसे लगाने के बाद जब उसको लगता है बच्चे को 1 साल या 1.5 साल बीतने के बाद कि मैं अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता हूँ, मैं सोसाइटी में अपने आप को स्टेबल महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, तब जाके सुसाइड करते हैं। कई बार ऐसा होता है कॉलेज मैनेजमेंट भी बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं जिसके वजह से बच्चे सुसाइड करते हैं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है दोस्तों, कोई भी कॉलेज में एडमिशन लीजिए, बहुत सोच समझ के लीजिए, पूरी जानकारी लेकर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर फियर, ये भी रीजन है कि बहुत सारे स्टूडेंट 2 साल 3 साल 4 साल कॉलेज में रहने के बाद जब उनको लगता है कि अब फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकते तो वो सुसाइड करते हैं। उसके बाद एक लव फेल्यूर को लोगों ने वैल्यू मतलब बदनाम करके रखा है कि प्यार में पड़ गया तो सुसाइड कर लिया। ये सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वालों का ये गेम रहता है कि लड़कन मर गया, गर्ल्स मर गई, बॉयज मर गए, इसको एकदम लव अफेयर का एंगल लगा दो। लव अफेयर से जो डेथ का जो रीजन है उसमें बहुत कम रीजन है, 1% से भी कम बच्चे जो है वो लव अफेयर में पढ़ के मरते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो रीजन है मेडिकल कॉलेज में जा करके, ये दोनों जो रीजन है, ये जो रीजन मैंने आपको बताया ये बड़ा रीजन है, ठीक है। उसके बाद एंटी रैंगिंग, रैंगिंग की वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि एक आध दो स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी कोशिशें करके रखी है। फिर भी मैं आप सबको कहता हूं, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। और हाँ, कहीं भी कुछ भी करो अपने लाइफ में, मस्त रहो, बिंदास रहो, टेंशन फ्री। अरे नहीं होगा मेडिकल में सिलेक्शन, इस दुनिया में बहुत सारा काम है, करके जी लेंगे, लेकिन 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 कभी भी गलत कदम मत उठाना दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।